हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सोशल मीडिया पर इस फिल्म को किसने कितनी रेटिंग दी और इस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है, और फिर लास्ट में फिल्म कब थिएटर्स में रिलीज होंगी और फिर किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस तारीख को आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी, ये सब डिटेल्स मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अखंडा एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है। इसका निर्माण द्वारकम क्रिएशंस के तहत मिरियालाम रविंदर रेड्डी ने किया था। इसमें प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुरी बालकृष्ण दोहरी भूमिका में है। साउंडट्रैक एल्बम और फिल्म स्कोर थमन एस द्वारा रचित है। 2 सितंबर 2021 को रिलीज हुई अखंडा को समीक्षकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली। फिल्म में साउंडट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रियता मिली। यह फिल्म दुनिया भर में 150 करोड़ से अधिक की व्यावसायिक हिट बन गई, जो वर्ष की तीसरे सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और बालकृष्ण के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी। अखंड को 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में चित्रित किया गया था। भारतीय पेनोरमा मुख्यधारा खंड में भारत का था। वही बात करें उनके कास्ट के बारे में तो अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा और मुरली कृष्ण के रूप में दोहरी भूमिका में हैं। नंदमुरी बालकृष्ण वही शरण्या बच्चुपल्ली IAS के रूप में प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू अघोरा बाबा के रूप में हैं। वही श्रीकांत अंतपुरम वरद राजुलो के रूप में तांबे के खनन के मालिक, वही गजेंद्र साहू के रूप में नितिन मेहता और पूर्ण पन्यावती IAS प्रधान सचिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म सीमा 2010 और लीजेंड 2014 के बाद बालकृष्ण और बोयापति श्रीनु के बीच तीसरे सहयोग को चित्रित करती है। इससे औपचारिक रूप से दिसंबर 2019 में हैदराबाद में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। फिल्म को अस्थायी रूप से VV3 और PNB के 106 के रूप में शीर्षक दिया गया था। अप्रैल 2021 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक अखंड के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें उनके थिएटरिकल रिलीज के बारे में तो फिल्म को शुरू में 28 मई 2021 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को 2 दिसंबर 2021 तक विलंबित कर दिया गया था। फिल्म का तमिल डब संस्करण 28 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। फिल्म को इसी शीर्षक के तहत हिंदी में भी डब किया गया था। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल वितरण अधिकार 15 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार स्टार माने खरीदे थे। फिल्म का प्रीमियर 21 जनवरी 2022 को हॉटस्टार पर किया गया था और यह OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली क्षेत्रीय फिल्म बन गई थी। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 10 अप्रैल 2022 को स्टार माह पर हुआ था। वही बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2020 में शुरू हुई। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन रुकने के बाद फिल्म का अंतिम शेड्यूल जुलाई 2021 में हैदराबाद में फिर से शुरू किया गया था। फिल्म के कुछ दृश्य गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हैदराबाद कैंपस में फिल्माए गए थे। फिल्म के चर्मोत्सुक दृश्यों का फिल्मांकन तमिलनाडु में
जुलाई 2021 के अंत में शुरू हुआ था। अधिकांश एक्शन दृश्यों में बालकृष्ण और श्रीकांत थे। अभी बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो द हिंस इंडिया के एक समीक्षक ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि और इसे बालकृष्ण का वन मैन शो का उम्मीदों पर खरा उतरे हुए। अकंडा भी प्रशंसकों पर एक बड़े पैमाने पर व्यवहार करता है। फिल्म प्रभावशाली है जिस तरह से यह थी निर्मित। हालांकि समीक्षक पूर्वानुमान कथानक और पटकथा के आलोचकों के साथ 123telugu.com ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि अखंडा कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लैया उन्हें अपने शानदार अभिनय से संजोने के लिए पर्याप्त क्षण देता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है अखंडा। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अखंडा एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है। इसका निर्माण द्वारकम क्रिएशंस के तहत मिर्यालाम रविंदर रेड्डी ने किया था। इसमें प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुरी बालकृष्ण दोहरी भूमिका में हैं। साउंड ट्रैक एल्बम और फिल्म स्कोर थमन एस द्वारा रचित है। 2 सितंबर 2021 को रिलीज हुई अखंडा को समीक्षकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली। फिल्म में साउंड ट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रियता मिली। यह फिल्म दुनिया भर में 150 करोड़ से अधिक की व्यावसायिक हिट बन गई, जो वर्ष की तीसरे सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और बालकृष्ण के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी। अखंड को 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में चित्रित किया गया था। भारतीय पैनोरमा मुख्यधारा खंड में भारत का था। वही बात करें उनकी कास्ट के बारे में तो अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा और मुरली कृष्ण के रूप में दोहरी भूमिका में हैं। नंदमुरी बालकृष्ण वही शरण्य बच्चुपल्ली आईएएस के रूप में प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू अघोरा बाबा के रूप में हैं। वही श्रीकांत अंत पुरम वरद राजलो के रूप में तांबे के खनन के मालिक। वही गजेंद्र साहू के रूप में नितिन मेहता और पूर्णा पन्यावती आईएएस प्रधान सचिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म सीमा 2010 और लीजेंड 2014 के बाद बालकृष्ण और बोयापति श्रीनु के बीच तीसरे सहयोग को चित्रित करती है। इससे औपचारिक रूप से दिसंबर 2019 में हैदराबाद में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। फिल्म को अस्थायी रूप से VV3 और PNB के 106 के रूप में शीर्षक दिया गया था। अप्रैल 2021 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक अखंड के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें उनके थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फिल्म को शुरू में 28 मई 2021 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को 2 दिसंबर 2021 तक विलंबित कर दिया गया था। फिल्म का तमिल डब संस्करण 28 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। फिल्म को इसी शीर्षक के तहत हिंदी में भी डब किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल वितरण अधिकार 15 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार स्टार माने खरीदे थे।
फिल्म का प्रीमियर 21 जनवरी 2022 को हॉटस्टार पर किया गया था और यह OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली क्षेत्रीय फिल्म बन गई थी। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 10 अप्रैल 2022 को स्टार माह पर हुआ था। वही बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2020 में शुरू हुई। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन रुकने के बाद फिल्म का अंतिम शेड्यूल जुलाई 2021 में हैदराबाद में फिर से शुरू किया गया था। फिल्म के कुछ दृश्य गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हैदराबाद कैंपस में फिल्माए गए थे। फिल्म के चर्मोत्सुक दृश्यों का फिल्मांकन तमिलनाडु में जुलाई 2021 के अंत में शुरू हुआ था। अधिकांश एक्शन दृश्यों में बालकृष्ण और श्रीकांत थे। अभी बात करें उनके क्रिटिकल रिस्पॉन्स के बारे में तो द हिंद इंडिया के एक समीक्षक ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि और इसे बालकृष्ण का वन मैन शो का उम्मीदों पर खरा उतरे हुए। अकंडा भी प्रशंसकों पर एक बड़े पैमाने पर व्यवहार करता है। फिल्म प्रभावशाली है जिस तरह से यह थी निर्मित। हालांकि समीक्षक पूर्वानुमान कथानक और पटकथा के आलोचकों के साथ 123telugu.com ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि अकंडा कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लैया ने अपने शानदार अभिनय से संजोने के लिए पर्याप्त क्षण देता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है अकंडा। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अकंडा एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है। इसका निर्माण द्वारकम क्रिएशंस के तहत मिर्यालाम रविंदर रेड्डी ने किया था। इसमें प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुरी बालकृष्ण गौरी भूमिका में है। साउंड ट्रैक एल्बम और फिल्म स्कोर थमन एस द्वारा रचित है। 2 सितंबर 2021 को रिलीज हुई अकंडा को समीक्षकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली। फिल्म में साउंड ट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रियता मिली। यह फिल्म दुनिया भर में 150 करोड़ से अधिक की व्यावसायिक हिट बन गई, जो वर्ष की तीसरे सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और बालकृष्णर के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी। अखंड को 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में चित्रित किया गया था। भारतीय पेनोरमा मुख्यधारा खंड में भारत का था। वही बात करें मूवी की कास्ट के बारे में तो अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा और मुरली कृष्ण के रूप में दोहरी भूमिका में हैं। नंदमुरी बालकृष्ण वही शरण्या बच्चुपल्ली IAS के रूप में प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू अघोरा बाबा के रूप में हैं। वही श्रीकांत अंत पुरम वरद राजुलव के रूप में तांबे के खनन के माली। वही गजेंद्र साहू के रूप में नितिन मेहता और पूर्णा पन्यावती IAS प्रधान सचिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म सीमा 2010 और लीजेंड 2014 के बाद बालकृष्ण और बोयापति श्रीनु के बीच तीसरे सहयोग को चित्रित करती है। इससे औपचारिक रूप से दिसंबर 2019 में हैदराबाद में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। फिल्म को अस्थायी रूप से BB3 और PNB के 106 के रूप में
शीर्षक दिया गया था। अप्रैल 2021 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक अखंड के रूप में अनावरण किया गया था। और बात करें उनके थिएटरिकल रिलीज के बारे में, तो फिल्म को शुरू में 28 मई 2021 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को 2 दिसंबर 2021 तक विलंबित कर दिया गया था। फिल्म का तमिल डब संस्करण 28 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। फिल्म को इसी शीर्षक के तहत हिंदी में भी डब किया गया था। अभी बात करें उनके होम मीडिया के बारे में, तो फिल्म के डिजिटल वितरण अधिकार 15 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार स्टार माने खरीदे थे। फिल्म का प्रीमियर 21 जनवरी 2022 को हॉटस्टार पर किया गया था और यह OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली क्षेत्रीय फिल्म बन गई थी। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 10 अप्रैल 2022 को स्टार माह पर हुआ था। वही बात करें उनकी फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2020 में शुरू हुई। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन रुकने के बाद फिल्म का अंतिम शेड्यूल जुलाई 2021 में हैदराबाद में फिर से शुरू किया गया था। फिल्म के कुछ दृश्य गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हैदराबाद कैंपस में फिल्माए गए थे। फिल्म के चरमोत्सुक दृश्यों का फिल्मांकन तमिलनाडु में जुलाई 2021 के अंत में शुरू हुआ था। अधिकांश एक्शन दृश्यों में बालकृष्ण और श्रीकांत थे। अभी बात करें उनके क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में, तो द हिंस इंडिया के एक समीक्षक ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि और इसे बालकृष्ण का वन मैन शो का उम्मीदों पर खरा उतरे हुए। अखंडा भी प्रशंसकों पर एक बड़े पैमाने पर व्यवहार करता है। फिल्म प्रभावशाली है जिस तरह से यह थी निर्मित। हालांकि समीक्षक पूर्वानुमियम कथानक और पटकथा के आलोचकों के साथ 123telugu.com ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि अखंडा कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लैयम ने अपने शानदार अभिनय से संजोने के लिए पर्याप्त क्षण देता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है अखंडा। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अखंडा एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है। इसका निर्माण द्वारकम क्रिएशंस के तहत मिर्याल्लाम रविंदर रेड्डी ने किया था। इसमें प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुरी बालकृष्ण दोहरी भूमिका में हैं। साउंडट्रैक एल्बम और फिल्म स्कोर थमन एस द्वारा रचित है। 2 सितंबर 2021 को रिलीज हुई अखंडा को समीक्षकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली। फिल्म में साउंडट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रियता मिली। यह फिल्म दुनिया भर में 150 करोड़ से अधिक की व्यावसायिक हिट बन गई, जो वर्ष की तीसरे सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और बालकृष्णर के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी। अखंड को 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में चित्रित किया गया था। भारतीय पैनोरमा मुख्यधारा खंड में भारत का था। वही बात करें उनके कास्ट के बारे में, तो अखंड रुद्र, सिकंदर, अघोरा और मुरली कृष्ण के रूप में दोहरी भूमिका में हैं। नंदमुरी बालकृष्ण वही सरन्या बच्चुपल्ली IAS के रूप में प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू अघोरा बाबा के रूप में हैं। वही श्रीकांत अंत
पुरम वरद राजुलो के रूप में तांबे के खनन के मालिक, वही गजेंद्र साहू के रूप में नितिन मेहता और पूर्ण पन्यावती आईएएस प्रधान सचिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म सीमा 2010 और लीजेंड 2014 के बाद बालकृष्ण और बोयापति श्रीनु के बीच तीसरे सहयोग को चित्रित करती है। इससे औपचारिक रूप से दिसंबर 2019 में हैदराबाद में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। फिल्म को अस्थायी रूप से BB3 और PNBK 106 के रूप में शीर्षक दिया गया था। अप्रैल 2021 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक अखंड के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें उनके थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फिल्म को शुरू में 28 मई 2021 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को 2 दिसंबर 2021 तक विलंबित कर दिया गया था। फिल्म का तमिल डब संस्करण 28 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। फिल्म को इसी शीर्षक के तहत हिंदी में भी डब किया गया था। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल वितरण अधिकार 15 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार स्टार माने खरीदी थी। फिल्म का प्रीमियर 21 जनवरी 2022 को हॉटस्टार पर किया गया था और यह OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली क्षेत्रीय फिल्म बन गई थी। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 10 अप्रैल 2022 को स्टार माह पर हुआ था। वही बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2020 में शुरू हुई। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन रुकने के बाद फिल्म का अंतिम शेड्यूल जुलाई 2021 में हैदराबाद में फिर से शुरू किया गया था। फिल्म के कुछ दृश्य गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हैदराबाद कैंपस में फिल्माए गए थे। फिल्म के चर्मोत्सुक दृश्यों का फिल्मांकन तमिलनाडु में जुलाई 2021 के अंत में शुरू हुआ था। अधिकांश एक्शन दृश्यों में बालकृष्ण और श्रीकांत थे। अभी बात करें उनके क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो द हिंस इंडिया के एक समीक्षक ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि और इसे बालकृष्ण का वन मैन शो काम उम्मीदों पर खरा उतरे हुए। अखंडा भी प्रशंसकों पर एक बड़े पैमाने पर व्यवहार करता है। फिल्म प्रभावशाली है जिस तरह से यह थी निर्मित। हालांकि समीक्षक पूर्वानुमान कथानक और पटकथा के आलोचकों के साथ 123telugu.com ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि अखंडा कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लैया ने अपने शानदार अभिनय से संजोने के लिए पर्याप्त क्षण देता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है अखंडा। इस फिल्म से जुड़ी जितनी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अखंडा एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है। इसका निर्माण द्वारकम क्रिएशंस के तहत मिर्याल्लाम रविंदर रेड्डी ने किया था। इसमें प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुरी बालकृष्ण दोहरी भूमिका में है। साउंड ट्रैक एल्बम और फिल्म स्कोर थमन एस द्वारा रचित है। 2 सितंबर 2021 को रिलीज हुई अखंडा को समीक्षकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली। फिल्म में साउंड ट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रियता मिली। यह फिल्म दुनिया भर में
150 करोड़ से अधिक की व्यावसायिक हिट बन गई, जो वर्ष की तीसरे सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और बालकृष्णर के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी। अखंड को 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में चित्रित किया गया था। भारतीय पैनोरमा मुख्यधारा खंड में भारत का था। वही बात करें उनकी कास्ट के बारे में तो अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा और मुरली कृष्ण के रूप में दोहरी भूमिका में हैं। नंदमुरी बालकृष्ण वही शरण्य बच्चुपल्ली आईएएस के रूप में प्रज्ञा जायसवाल जगपति बाबू अघोरा बाबा के रूप में हैं। वही श्रीकांत अंत पुरम वरद राजुलव के रूप में तांबे के खनन के मालिक। वही गजेंद्र साहू के रूप में नितिन मेहता और पूर्ण पन्यावती आईएएस प्रधान सचिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म सीमा 2010 और लीजेंड 2014 के बाद बालकृष्ण और बोयापति श्रीनु के बीच तीसरे सहयोग को चित्रित करती है। इससे औपचारिक रूप से दिसंबर 2019 में हैदराबाद में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। फिल्म को अस्थायी रूप से BB3 और PNB के 106 के रूप में शीर्षक दिया गया था। अप्रैल 2021 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक अखंड के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें उनके थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फिल्म को शुरू में 28 मई 2021 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को 2 दिसंबर 2021 तक विलंबित कर दिया गया था। फिल्म का तमिल डब संस्करण 28 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। फिल्म को इसी शीर्षक के तहत हिंदी में भी डब किया गया था। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल वितरण अधिकार 15 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार स्टार माने खरीदी थी। फिल्म का प्रीमियर 21 जनवरी 2022 को हॉटस्टार पर किया गया था और यह OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली क्षेत्रीय फिल्म बन गई थी। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 10 अप्रैल 2022 को स्टार माह पर हुआ था। वही बात करें उनकी फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2020 में शुरू हुई। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन रुकने के बाद फिल्म का अंतिम शेड्यूल जुलाई 2021 में हैदराबाद में फिर से शुरू किया गया था। फिल्म के कुछ दृश्य गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हैदराबाद कैंपस में फिल्माए गए थे। फिल्म के चर्मोत्सुक दृश्यों का फिल्मांकन तमिलनाडु में जुलाई 2021 के अंत में शुरू हुआ था। अधिकांश एक्शन दृश्यों में बालकृष्ण और श्रीकांत थे। अभी बात करें उनके क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो द हिंस इंडिया के एक समीक्षक ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि और इसे बालकृष्ण का वन मैन शो का उम्मीदों पर खरा उतरे हुए। अखंडा भी प्रशंसकों पर एक बड़े पैमाने पर व्यवहार करता है। फिल्म प्रभावशाली है जिस तरह से यह थी निर्मित, हालांकि समीक्षक पूर्वानुमियम कथानक और पटकथा के आलोचकों के साथ 123telugu.com ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि अखंडा कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लयम ने अपने शानदार अभिनय से संजोने के लिए पर्याप्त क्षण देता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है अखंडा।
किस फिल्म से जुड़ी जितनी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अखंडा एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है। इसका निर्माण द्वारकम क्रिएशंस के तहत मिरियालाम रविंदर रेड्डी ने किया था। इसमें प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुरी बालकृष्ण दौरी भूमिका में हैं। साउंड ट्रैक एल्बम और फिल्म स्कोर थमन एस द्वारा रचित है। 2 सितंबर 2021 को रिलीज हुई अखंडा को समीक्षकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली। फिल्म में साउंड ट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रियता मिली। यह फिल्म दुनिया भर में 150 करोड़ से अधिक की व्यावसायिक हिट बन गई, जो वर्ष की तीसरे सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और बालकृष्ण के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी। अखंड को 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में चित्रित किया गया था। भारतीय पेनोरमा मुख्यधारा खंड में भारत का था। वही बात करें उनके कास्ट के बारे में तो अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा और मुरली कृष्ण के रूप में दोहरी भूमिका में हैं। नंदमुरी बालकृष्ण वही शरण्या बच्चुपल्ली आईएएस के रूप में प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू अघोरा बाबा के रूप में हैं। वही श्रीकांत अंत पुरम वरद राजुलव के रूप में तांबे के खनन के माली, वही गजेंद्र साहू के रूप में नितिन मेहता और पूर्णा पन्यावती आईएएस प्रधान सचिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म सीमा 2010 और लीजेंड 2014 के बाद बालकृष्ण और बोयापति श्रीनु के बीच तीसरे सहयोग को चित्रित करती है। इससे औपचारिक रूप से दिसंबर 2019 में हैदराबाद में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। फिल्म को अस्थायी रूप से BB3 और PNB के 106 के रूप में शीर्षक दिया गया था। अप्रैल 2021 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक अखंड के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें उनके थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फिल्म को शुरू में 28 मई 2021 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को 2 दिसंबर 2021 तक विलंबित कर दिया गया था। फिल्म का तमिल डब संस्करण 28 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। फिल्म को इसी शीर्षक के तहत हिंदी में भी डब किया गया था। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल वितरण अधिकार 15 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार स्टार माने खरीदे थे। फिल्म का प्रीमियर 21 जनवरी 2022 को हॉटस्टार पर किया गया था और यह OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली क्षेत्रीय फिल्म बन गई थी। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 10 अप्रैल 2022 को स्टार माह पर हुआ था। वही बात करें उनकी फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2020 में शुरू हुई। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन रुकने के बाद फिल्म का अंतिम शेड्यूल जुलाई 2021 में हैदराबाद में फिर से शुरू किया गया था। फिल्म के कुछ दृश्य गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हैदराबाद कैंपस में फिल्माए गए थे। फिल्म के चरमोत्सुक दृश्यों का फिल्मांकन तमिलनाडु में जुलाई 2021 के अंत में शुरू हुआ था। अधिकांश एक्शन दृश्यों में बालकृष्ण और श्रीकांत थे। अभी बात करें उनके क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो द हिंस इंडिया के एक समीक्षक ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि और इसे बालकृष्ण का वन मैन शो काम
उम्मीदों पर खरा उतरे हुए अखंडा भीम प्रशंसकों पर एक बड़े पैमाने पर व्यवहार करता है। फिल्म प्रभावशाली है जिस तरह से यह थी निर्मित, हालांकि समीक्षक पूर्वानुमान कथानक और पटकथा के आलोचकों के साथ 123 तेलुगु.com ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि अखंडा कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लयम ने अपने शानदार अभिनय से संजोने के लिए पर्याप्त क्षण देता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है अखंडा। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अखंडा एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है। इसका निर्माण द्वारकम क्रिएशंस के तहत मिरियालाम रविंदर रेड्डी ने किया था। इसमें प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुरी बालकृष्ण दोहरी भूमिका में हैं। साउंडट्रैक एल्बम और फिल्म स्कोर थमन एस द्वारा रचित है। 2 सितंबर 2021 को रिलीज हुई अखंडा को समीक्षकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली। फिल्म में साउंडट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रियता मिली। यह फिल्म दुनिया भर में 150 करोड़ से अधिक की व्यावसायिक हिट बन गई, जो वर्ष की तीसरे सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और बालकृष्णर के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी। अखंडा को 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में चित्रित किया गया था। भारतीय पेनोरमा मुख्यधारा खंड में भारत का था। वही बात करें उनकी कास्ट के बारे में तो अखंड रुद्र, सिकंदर, अघोरा और मुरली कृष्ण के रूप में दोहरी भूमिका में हैं। नंदमुरी बालकृष्ण वही सरन्या बच्चूपल्ली आईएएस के रूप में प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू अघोरा बाबा के रूप में हैं। वही श्रीकांत अंतपुरम वरद राजुलो के रूप में तांबे के खनन के मालिक, वही गजेंद्र साहू के रूप में नितिन मेहता और पूर्णा पन्यावती आईएएस प्रधान सचिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म सीमा 2010 और लीजेंड 2014 के बाद बालकृष्ण और बोयापति श्रीनु के बीच तीसरे सहयोग को चित्रित करती है। इससे औपचारिक रूप से दिसंबर 2019 में हैदराबाद में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। फिल्म को अस्थायी रूप से BB3 और PNBK 106 के रूप में शीर्षक दिया गया था। अप्रैल 2021 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक अखंडा के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें उनके थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फिल्म को शुरू में 28 मई 2021 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को 2 दिसंबर 2021 तक विलंबित कर दिया गया था। फिल्म का तमिल डब संस्करण 28 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। फिल्म को इसी शीर्षक के तहत हिंदी में भी डब किया गया था। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल वितरण अधिकार 15 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार स्टार मानिन खरीदे थे। फिल्म का प्रीमियर 21 जनवरी 2022 को हॉटस्टार पर किया गया था और यह OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली क्षेत्रीय फिल्म बन गई थी। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 10 अप्रैल 2022 को स्टार माह पर हुआ था। वही बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2020 में शुरू हुई।
भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन रुकने के बाद फिल्म का अंतिम शेड्यूल जुलाई 2021 में हैदराबाद में फिर से शुरू किया गया था। फिल्म के कुछ दृश्य गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हैदराबाद कैंपस में फिल्माए गए थे। फिल्म के चरमोत्सुक दृश्यों का फिल्मांकन तमिलनाडु में जुलाई 2021 के अंत में शुरू हुआ था। अधिकांश एक्शन दृश्यों में बालकृष्ण और श्रीकांत थे। अभी बात करें उनके क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो द हिंस इंडिया के एक समीक्षक ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि और इसे बालकृष्ण का वन मैन शो का उम्मीदों पर खरा उतरे हुए। अकंडा भी प्रशंसकों पर एक बड़े पैमाने पर व्यवहार करता है। फिल्म प्रभावशाली है जिस तरह से यह थी निर्मित। हालांकि समीक्षक पूर्वानुमियम कथानक और पटकथा के आलोचकों के साथ 123telugu.com ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि अखंडा कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लैया ने अपने शानदार अभिनय से संजोने के लिए पर्याप्त क्षण देता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है अखंडा। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अखंडा एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है। इसका निर्माण द्वारकम क्रिएशंस के तहत मिरियालाम रविंदर रेड्डी ने किया था। इसमें प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुरी बालकृष्ण दोहरी भूमिका में हैं। साउंड ट्रैक एल्बम और फिल्म स्कोर थमन एस द्वारा रचित है। 2 सितंबर 2021 को रिलीज हुई अखंडा को समीक्षकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली। फिल्म में साउंड ट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रियता मिली। यह फिल्म दुनिया भर में 150 करोड़ से अधिक की व्यावसायिक हिट बन गई, जो वर्ष की तीसरे सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और बालकृष्ण के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी। अखंड को 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में चित्रित किया गया था। भारतीय पेनोरमा मुख्यधारा खंड में भारत का था। वही बात करें उनके कास्ट के बारे में तो अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा और मुरली कृष्ण के रूप में दोहरी भूमिका में हैं। नंदमुरी बालकृष्ण वही सरन्या बच्चुपल्ली आईएएस के रूप में प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू अघोरा बाबा के रूप में हैं। वही श्रीकांत अंत पुरम वरद राजुल के रूप में तांबे के खनन के मालिक। वही गजेंद्र साहू के रूप में नितिन मेहता और पूर्णा पन्यावती आईएएस प्रधान सचिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म सीमा 2010 और लीजेंड 2014 के बाद बालकृष्ण और बोयापति श्रीनु के बीच तीसरे सहयोग को चित्रित करती है। इससे औपचारिक रूप से दिसंबर 2019 में हैदराबाद में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। फिल्म को अस्थायी रूप से BB3 और PNB के 106 के रूप में शीर्षक दिया गया था। अप्रैल 2021 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक अखंड के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें उनके थिएटरिकल रिलीज के बारे में तो फिल्म को शुरू में 28 मई 2021 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को 2 दिसंबर 2021 तक
विलंबित कर दिया गया था। फिल्म का तमिल डब संस्करण 28 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। फिल्म को इसी शीर्षक के तहत हिंदी में भी डब किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो फिल्म के डिजिटल वितरण अधिकार 15 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार स्टार मां ने खरीदी थी। फिल्म का प्रीमियर 21 जनवरी 2022 को हॉटस्टार पर किया गया था और यह OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली क्षेत्रीय फिल्म बन गई थी। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 10 अप्रैल 2022 को स्टार मां पर हुआ था। वही बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2020 में शुरू हुई। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन रुकने के बाद फिल्म का अंतिम शेड्यूल जुलाई 2021 में हैदराबाद में फिर से शुरू किया गया था। फिल्म के कुछ दृश्य गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हैदराबाद कैंपस में फिल्माए गए थे। फिल्म के चरमोत्सुक दृश्यों का फिल्मांकन तमिलनाडु में जुलाई 2021 के अंत में शुरू हुआ था। अधिकांश एक्शन दृश्यों में बालकृष्ण और श्रीकांत थे। अभी बात करें उनके क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में, तो द हिंस इंडिया के एक समीक्षक ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि और इसे बालकृष्ण का वन मैन शो का उम्मीदों पर खरा उतरे हुए। अखंडा भी प्रशंसकों पर एक बड़े पैमाने पर व्यवहार करता है। फिल्म प्रभावशाली है जिस तरह से यह थी निर्मित। हालांकि समीक्षक पूर्वानुमान कथानक और पटकथा के आलोचकों के साथ 123telugu.com ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि अखंडा कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लैया ने अपने शानदार अभिनय से संजोने के लिए पर्याप्त क्षण देता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है अखंडा। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अखंडा एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है। इसका निर्माण द्वारकम क्रिएशंस के तहत मिर्यालाम रविंदर रेड्डी ने किया था। इसमें प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुरी बालकृष्ण दोहरी भूमिका में हैं। साउंडट्रैक एल्बम और फिल्म स्कोर थमन एस द्वारा रचित है। 2 सितंबर 2021 को रिलीज हुई अखंडा को समीक्षकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली। फिल्म में साउंडट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रियता मिली। यह फिल्म दुनिया भर में 150 करोड़ से अधिक की व्यावसायिक हिट बन गई, जो वर्ष की तीसरे सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और बालकृष्णर के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी। अखंड को 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में चित्रित किया गया था। भारतीय पैनोरमा मुख्यधारा खंड में भारत का था। वही बात करें उनकी कास्ट के बारे में, तो अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा और मुरली कृष्ण के रूप में दोहरी भूमिका में हैं। नंदमुरी बालकृष्ण वही शरण्या बच्चुपल्ली IAS के रूप में प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू अघोरा बाबा के रूप में हैं। वही श्रीकांत अंत पुरम वरद राजलव के रूप में तांबे के खनन के मालिक, वही गजेंद्र साहू के रूप में नितिन मेहता और पूर्णा पन्यावती IAS प्रधान सचिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फिल्म सीमा 2010 और
लीजेंड 2014 के बाद बालकृष्ण और बोयापति श्रीनु के बीच तीसरे संयोग को चित्रित करती है। इससे औपचारिक रूप से दिसंबर 2019 में हैदराबाद में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। फिल्म को अस्थायी रूप से BB3 और PNB के 106 के रूप में शीर्षक दिया गया था। अप्रैल 2021 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक अखंड के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें उनके थिएटरिकल रिलीज के बारे में, तो फिल्म को शुरू में 28 मई 2021 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को 2 दिसंबर 2021 तक विलंबित कर दिया गया था। फिल्म का तमिल डब संस्करण 28 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। फिल्म को इसी शीर्षक के तहत हिंदी में भी डब किया गया था। अभी बात करें उनके होम मीडिया के बारे में, तो फिल्म के डिजिटल वितरण अधिकार 15 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार स्टार माने खरीदे थे। फिल्म का प्रीमियर 21 जनवरी 2022 को हॉटस्टार पर किया गया था और यह OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली क्षेत्रीय फिल्म बन गई थी। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 10 अप्रैल 2022 को स्टार माह पर हुआ था। वही बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2020 में शुरू हुई। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन रुकने के बाद फिल्म का अंतिम शेड्यूल जुलाई 2021 में हैदराबाद में फिर से शुरू किया गया था। फिल्म के कुछ दृश्य गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हैदराबाद कैंपस में फिल्माए गए थे। फिल्म के चरमोत्सुक दृश्यों का फिल्मांकन तमिलनाडु में जुलाई 2021 के अंत में शुरू हुआ था। अधिकांश एक्शन दृश्यों में बालकृष्ण और श्रीकांत थे। अभी बात करें उनके क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में, तो द हिंस इंडिया के एक समीक्षक ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि और इसे बालकृष्ण का वन मैन शो का उम्मीदों पर खरा उतरे हुए। अकंडा भी प्रशंसकों पर एक बड़े पैमाने पर व्यवहार करता है। फिल्म प्रभावशाली है जिस तरह से यह थी निर्मित। हालांकि समीक्षक पूर्वानुमेयन कथानक और पटकथा के आलोचकों के साथ 123telugu.com ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि अकंडा कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लैया उन्हें अपने शानदार अभिनय से संजोने के लिए पर्याप्त क्षण देता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है अकंडा। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अकंडा एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है। इसका निर्माण द्वारकम क्रिएशंस के तहत मिर्याल्लाम रविंदर रेड्डी ने किया था। इसमें प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुरी बालकृष्ण दोहरी भूमिका में है। साउंडट्रैक एल्बम और फिल्म स्कोर थमन एस द्वारा रचित है। 2 सितंबर 2021 को रिलीज हुई अकंडा को समीक्षकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली। फिल्म में साउंडट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रियता मिली। यह फिल्म दुनिया भर में 150 करोड़ से अधिक की व्यावसायिक हिट बन गई, जो वर्ष की तीसरे सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और बालकृष्ण के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी। अखंड को 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में चित्रित किया गया था। भारतीय पेनोरमा
मुख्यधारा खंड में भारत का था। वही बात करें उनकी कास्ट के बारे में तो अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा और मुरली कृष्ण के रूप में दोहरी भूमिका में हैं। नंदमुरी बालकृष्ण वही शरण्या वच्चुपल्ली आईएएस के रूप में प्रज्ञा जायसवाल जगपति बाबू अघोरा बाबा के रूप में हैं। वही श्रीकांत अंतपुरम वरद राजुलो के रूप में तांबे के खनन के मालिक। वही गजेंद्र साहू के रूप में नितिन मेहता और पूर्ण पन्यावती आईएएस प्रधान सचिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म सीमा 2010 और लीजेंड 2014 के बाद बालकृष्ण और बोयापति श्रीनु के बीच तीसरे सहयोग को चित्रित करती है। इससे औपचारिक रूप से दिसंबर 2019 में हैदराबाद में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। फिल्म को अस्थायी रूप से BB3 और PNBK 106 के रूप में शीर्षक दिया गया था। अप्रैल 2021 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक अखंड के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें उनके थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फिल्म को शुरू में 28 मई 2021 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को 2 दिसंबर 2021 तक विलंबित कर दिया गया था। फिल्म का तमिल डब संस्करण 28 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। फिल्म को इसी शीर्षक के तहत हिंदी में भी डब किया गया था। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल वितरण अधिकार 15 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार स्टार मां ने खरीदे थे। फिल्म का प्रीमियर 21 जनवरी 2022 को हॉटस्टार पर किया गया था और यह OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली क्षेत्रीय फिल्म बन गई थी। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 10 अप्रैल 2022 को स्टार मां पर हुआ था। वही बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2020 में शुरू हुई। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन रुकने के बाद फिल्म का अंतिम शेड्यूल जुलाई 2021 में हैदराबाद में फिर से शुरू किया गया था। फिल्म के कुछ दृश्य गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हैदराबाद कैंपस में फिल्माए गए थे। फिल्म के चर्मोत्सुक दृश्यों का फिल्मांकन तमिलनाडु में जुलाई 2021 के अंत में शुरू हुआ था। अधिकांश एक्शन दृश्यों में बालकृष्ण और श्रीकांत थे। अभी बात करें उनके क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो द हिंस इंडिया के एक समीक्षक ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि और इसे बालकृष्ण का वन मैन शो का उम्मीदों पर खरा उतरे हुए। अखंडा भी प्रशंसकों पर एक बड़े पैमाने पर व्यवहार करता है। फिल्म प्रभावशाली है जिस तरह से यह थी निर्मित। हालांकि समीक्षक पूर्वानुमान कथानक और पटकथा के आलोचकों के साथ 123telugu.com ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि अखंडा कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लैया उन्हें अपने शानदार अभिनय से संजोने के लिए पर्याप्त क्षण देता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है अखंडा। इस फिल्म से जुड़ी जितनी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अखंडा एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है। इसका निर्माण द्वारकम क्रिएशंस के तहत मिर्यालाम रविंदर रेड्डी ने किया था। इसमें प्रज्ञा
जयसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुरी बालकृष्ण दोहरी भूमिका में हैं। साउंडट्रैक एल्बम और फिल्म स्कोर थमन एस द्वारा रचित है। 2 सितंबर 2021 को रिलीज हुई अकंडा को समीक्षकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली। फिल्म में साउंडट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रियता मिली। यह फिल्म दुनिया भर में 150 करोड़ से अधिक की व्यावसायिक हिट बन गई, जो वर्ष की तीसरे सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और बालकृष्ण के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी। अखंड को 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में चित्रित किया गया था। भारतीय पैनोरमा मुख्यधारा खंड में भारत का था। वही बात करें उनकी कास्ट के बारे में तो अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा और मुरली कृष्ण के रूप में दोहरी भूमिका में हैं। नंदमुरी बालकृष्ण वही शरण्य बच्चुपल्ली आईएएस के रूप में प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू अघोरा बाबा के रूप में हैं। वही श्रीकांत अंत पुरम वरद राजुल के रूप में तांबे के खनन के मालिक। वही गजेंद्र साहू के रूप में नितिन मेहता और पूर्ण पुण्यवती आईएएस प्रधान सचिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म सीमा 2010 और लीजेंड 2014 के बाद बालकृष्ण और बोयापति श्रीनु के बीच तीसरे सहयोग को चित्रित करती है। इससे औपचारिक रूप से दिसंबर 2019 में हैदराबाद में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। फिल्म को अस्थायी रूप से BB3 और PNB के 106 के रूप में शीर्षक दिया गया था। अप्रैल 2021 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक अखंड के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें उनके थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फिल्म को शुरू में 28 मई 2021 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को 2 दिसंबर 2021 तक विलंबित कर दिया गया था। फिल्म का तमिल डब संस्करण 28 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। फिल्म को इसी शीर्षक के तहत हिंदी में भी डब किया गया था। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल वितरण अधिकार 15 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार स्टार माने खरीदे थे। फिल्म का प्रीमियर 21 जनवरी 2022 को हॉटस्टार पर किया गया था और यह OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली क्षेत्रीय फिल्म बन गई थी। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 10 अप्रैल 2022 को स्टार माह पर हुआ था। वही बात करें उनकी फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2020 में शुरू हुई। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन रुकने के बाद फिल्म का अंतिम शेड्यूल जुलाई 2021 में हैदराबाद में फिर से शुरू किया गया था। फिल्म के कुछ दृश्य गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हैदराबाद कैंपस में फिल्माए गए थे। फिल्म के चर्मोत्सुक दृश्यों का फिल्मांकन तमिलनाडु में जुलाई 2021 के अंत में शुरू हुआ था। अधिकांश एक्शन दृश्यों में बालकृष्ण और श्रीकांत थे। अभी बात करें उनके क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो द हिंस इंडिया के एक समीक्षक ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि और इसे बालकृष्ण का वन मैन शो का उम्मीदों पर खरा उतरे हुए। अखंडा भी प्रशंसकों पर एक बड़े पैमाने पर व्यवहार करता है। फिल्म प्रभावशाली है जिस तरह से यह थी निर्मित। हालांकि समीक्षक पूर्वानुमान कथानक और पटकथा के आलोचकों के साथ 123 तेलुगु.com ने फिल्म को 5 में से
3.5 स्टार दिए और कहा कि अखंडा कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लयम ने अपने शानदार अभिनय से संजोने के लिए पर्याप्त क्षण देता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है अखंडा। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अखंडा एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है। इसका निर्माण द्वारकम क्रिएशंस के तहत मिर्यालाम रविंदर रेड्डी ने किया था। इसमें प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुरी बालकृष्ण दोहरी भूमिका में है। साउंड ट्रैक एल्बम और फिल्म स्कोर थमन एस द्वारा रचित है। 2 सितंबर 2021 को रिलीज हुई अखंडा को समीक्षकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली। फिल्म में साउंड ट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रियता मिली। यह फिल्म दुनिया भर में 150 करोड़ से अधिक की व्यावसायिक हिट बन गई, जो वर्ष की तीसरे सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और बालकृष्णर के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी। अखंड को 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में चित्रित किया गया था। भारतीय पेनोरमा मुख्यधारा खंड में भारत का था। वही बात करें उनकी कास्ट के बारे में तो अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा और मुरली कृष्ण के रूप में दोहरी भूमिका में हैं। नंदमुरी बालकृष्ण वही शरण्या बच्चूपल्ली आईएएस के रूप में प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू अघोरा बाबा के रूप में हैं। वही श्रीकांत अंत पुरम वरद राजुलव के रूप में तांबे के खनन के माली। वही गजेंद्र साहू के रूप में नितिन मेहता और पूर्ण पन्यावती आईएएस प्रधान सचिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म सीमा 2010 और लीजेंड 2014 के बाद बालकृष्ण और बोयापति श्रीनु के बीच तीसरे सहयोग को चित्रित करती है। इससे औपचारिक रूप से दिसंबर 2019 में हैदराबाद में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। फिल्म को अस्थायी रूप से BB3 और PNBK 106 के रूप में शीर्षक दिया गया था। अप्रैल 2021 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक अखंड के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें उनके थिएटर रिलीज के बारे में तो फिल्म को शुरू में 28 मई 2021 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को 2 दिसंबर 2021 तक विलंबित कर दिया गया था। फिल्म का तमिल डब संस्करण 28 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। फिल्म को इसी शीर्षक के तहत हिंदी में भी डब किया गया था। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल वितरण अधिकार 15 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार स्टार माने खरीदे थे। फिल्म का प्रीमियर 21 जनवरी 2022 को हॉटस्टार पर किया गया था और यह OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली क्षेत्रीय फिल्म बन गई थी। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 10 अप्रैल 2022 को स्टार माह पर हुआ था। वही बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2020 में शुरू हुई। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन रुकने के बाद फिल्म का अंतिम शेड्यूल जुलाई 2021 में हैदराबाद में फिर से शुरू किया गया था। फिल्म के कुछ दृश्य गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हैदराबाद कैंपस में फिल्माए गए थे। फिल्म के
चरमोत्सुक पुरुषों का फिल्मांकन तमिलनाडु में जुलाई 2021 के अंत में शुरू हुआ था। अधिकांश एक्शन दृश्यों में बालकृष्ण और श्रीकांत थे। अभी बात करने के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो द हिंस इंडिया के एक समीक्षक ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि और इसे बालकृष्ण का वन मैन शो काम उम्मीदों पर खरा उतरे हुए। अकंडा भी प्रशंसकों पर एक बड़े पैमाने पर व्यवहार करता है। फिल्म प्रभावशाली है जिस तरह से यह थी निर्मित। हालांकि समीक्षक पूर्वानुमियम कथानक और पटकथा के आलोचकों के साथ 123 तेलुगु.com ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि अकंडा कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लयम ने अपने शानदार अभिनय से संजोने के लिए पर्याप्त क्षण देता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है अकंडा। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अकंडा एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है। इसका निर्माण द्वारकम क्रिएशंस के तहत मिरियालाम रविंदर रेड्डी ने किया था। इसमें प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुरी बालकृष्ण दोहरी भूमिका में है। साउंडट्रैक एल्बम और फिल्म स्कोर थमन एस द्वारा रचित है। 2 सितंबर 2021 को रिलीज हुई अकंडा को समीक्षकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली। फिल्म में साउंडट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रियता मिली। यह फिल्म दुनिया भर में 150 करोड़ से अधिक की व्यावसायिक हिट बन गई, जो वर्ष की तीसरे सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और बालकृष्ण के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी। अकंडा को 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में चित्रित किया गया था। भारतीय पैनोरमा मुख्यधारा खंड में भारत का था। वही बात करें उनके कास्ट के बारे में तो अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा और मुरली कृष्ण के रूप में दोहरी भूमिका में हैं। नंदमुरी बालकृष्ण वही शरण्या बच्चुपल्ली आईएएस के रूप में प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू अघोरा बाबा के रूप में हैं। वही श्रीकांत अंतपुरम वरद राजुलो के रूप में तांबे के खनन के मालिक, वही गजेंद्र साहू के रूप में नितिन मेहता और पूर्णा पन्यावती आईएएस प्रधान सचिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म सीमा 2010 और लीजेंड 2014 के बाद बालकृष्ण और बोयापति श्रीनु के बीच तीसरे सहयोग को चित्रित करती है। इससे औपचारिक रूप से दिसंबर 2019 में हैदराबाद में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। फिल्म को अस्थायी रूप से BB3 और PNBK 106 के रूप में शीर्षक दिया गया था। अप्रैल 2021 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक अकंडा के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें उनके थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फिल्म को शुरू में 28 मई 2021 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को 2 दिसंबर 2021 तक विलंबित कर दिया गया था। फिल्म का तमिल डब संस्करण 28 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। फिल्म को इसी शीर्षक के तहत हिंदी में भी डब किया गया था। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल वितरण अधिकार 15 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए थे।
फिल्म के सैटेलाइट अधिकार स्टार माने खरीदे थे। फिल्म का प्रीमियर 21 जनवरी 2022 को हॉटस्टार पर किया गया था और यह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली क्षेत्रीय फिल्म बन गई थी। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 10 अप्रैल 2022 को स्टार माह पर हुआ था। कोई बात करें कि फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2020 में शुरू हुई। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन रुकने के बाद फिल्म का अंतिम शेड्यूल जुलाई 2021 में हैदराबाद में फिर से शुरू किया गया था। फिल्म के कुछ दृश्य गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हैदराबाद कैंपस में फिल्माए गए थे। फिल्म के चरमोत्सुक दृश्यों का फिल्मांकन तमिलनाडु में जुलाई 2021 के अंत में शुरू हुआ था। अधिकांश एक्शन दृश्यों में बालकृष्ण और श्रीकांत थे। अभी बात करें उनके क्रिटिकल रिस्पॉन्स के बारे में तो द हिंस इंडिया के एक समीक्षक ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि और इसे बालकृष्ण का वन मैन शो काम उम्मीदों पर खरा उतरे हुए। अकंडा भी प्रशंसकों पर एक बड़े पैमाने पर व्यवहार करता है। फिल्म प्रभावशाली है जिस तरह से यह थी निर्मित। हालांकि समीक्षक पूर्वानुमान कथानक और पटकथा के आलोचकों के साथ 123telugu.com ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि अकंडा कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लयम उन्हें अपने शानदार अभिनय से संजोने के लिए पर्याप्त क्षण देता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है अकंडा। इस फिल्म से जुड़ी जितनी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अकंडा एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है। इसका निर्माण द्वारकम क्रिएशंस के तहत मिर्यालाम रविंदर रेड्डी ने किया था। इसमें प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुरी बालकृष्ण दोहरी भूमिका में है। साउंड ट्रैक एल्बम और फिल्म स्कोर थमन एस द्वारा रचित है। 2 सितंबर 2021 को रिलीज हुई अकंडा को समीक्षकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली। फिल्म में साउंड ट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रियता मिली। यह फिल्म दुनिया भर में 150 करोड़ से अधिक की व्यावसायिक हिट बन गई, जो वर्ष की तीसरे सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और बालकृष्ण के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी। अखंड को 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में चित्रित किया गया था। भारतीय पेनोरमा मुख्यधारा खंड में भारत का था। कोई बात करें उनकी कास्ट के बारे में तो अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा और मुरली कृष्ण के रूप में दोहरी भूमिका में हैं। नंदमुरी बालकृष्ण वही शरण्य बच्चुपल्ली आईएएस के रूप में प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू अघोरा बाबा के रूप में हैं वही श्रीकांत अंत पुरम वरद राजुलव के रूप में तांबे के खनन के मालिक, वही गजेंद्र साहू के रूप में नितिन मेहता और पूर्ण पन्यावती आईएएस प्रधान सचिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म सीमा 2010 और लीजेंड 2014 के बाद बालकृष्ण और बोयापति श्रीनु के बीच तीसरे सहयोग को चित्रित करती है। इससे औपचारिक रूप से दिसंबर 2019 में हैदराबाद में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। फिल्म को अस्थायी रूप से BB3 और पी
NBK 106 के रूप में शीर्षक दिया गया था। अप्रैल 2021 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक अखंड के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें उनके थिएटरिकल रिलीज के बारे में, तो फिल्म को शुरू में 28 मई 2021 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को 2 दिसंबर 2021 तक विलंबित कर दिया गया था। फिल्म का तमिल डब संस्करण 28 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। फिल्म को इसी शीर्षक के तहत हिंदी में भी डब किया गया था। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में, तो फिल्म के डिजिटल वितरण अधिकार 15 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार स्टार माने खरीदे थे। फिल्म का प्रीमियर 21 जनवरी 2022 को हॉटस्टार पर किया गया था और यह OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली क्षेत्रीय फिल्म बन गई थी। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 10 अप्रैल 2022 को स्टार माह पर हुआ था। वही बात करें उनकी फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2020 में शुरू हुई। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन रुकने के बाद फिल्म का अंतिम शेड्यूल जुलाई 2021 में हैदराबाद में फिर से शुरू किया गया था। फिल्म के कुछ दृश्य गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हैदराबाद कैंपस में फिल्माए गए थे। फिल्म के चर्मोत्सुक दृश्यों का फिल्मांकन तमिलनाडु में जुलाई 2021 के अंत में शुरू हुआ था। अधिकांश एक्शन दृश्यों में बालकृष्ण और श्रीकांत थे। अभी बात करें उनके क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में, तो द हिंस इंडिया के एक समीक्षक ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि और इसे बालकृष्ण का वन मैन शो का उम्मीदों पर खरा उतरे हुए। अखंडा भी प्रशंसकों पर एक बड़े पैमाने पर व्यवहार करता है। फिल्म प्रभावशाली है जिस तरह से यह थी निर्मित, हालांकि समीक्षक पूर्वानुमान कथानक और पटकथा के आलोचकों के साथ 123telugu.com ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि अखंडा कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लैया ने अपने शानदार अभिनय से संजोने के लिए पर्याप्त क्षण देता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले है उसका नाम है अखंडा। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अखंडा एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है। इसका निर्माण द्वारकम क्रिएशंस के तहत मिर्याला रविंदर रेड्डी ने किया था। इसमें प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुरी बालकृष्ण दोहरी भूमिका में हैं। साउंडट्रैक एल्बम और फिल्म स्कोर थमन एस द्वारा रचित है। 2 सितंबर 2021 को रिलीज हुई अखंडा को समीक्षकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली। फिल्म में साउंडट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रियता मिली। यह फिल्म दुनिया भर में 150 करोड़ से अधिक की व्यावसायिक हिट बन गई, जो वर्ष की तीसरे सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और बालकृष्ण के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी। अखंड को 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में चित्रित किया गया था। भारतीय पेनोरमा मुख्यधारा खंड में भारत का था। वही बात करें उनके कास्ट के बारे में, तो अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा और मुरली कृष्ण के रूप में दोहरी भूमिका में हैं। नंदमुरी बालकृष्ण वही सरन्या बच्चुपल्ली आईएएस के रूप में प्रज्ञा जयसवाल।
जगपति बाबू अगोरा बाबा के रूप में हैं। वही श्रीकांत अंत पुरम वरद राजलो के रूप में तांबे के खनन के मालिक। वही गजेंद्र साहू के रूप में नितिन मेहता और पूर्ण पन्यावती आईएएस प्रधान सचिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म सीमा 2010 और लीजेंड 2014 के बाद बालकृष्ण और गोयापति श्रीनु के बीच तीसरे सहयोग को चित्रित करती है। इससे औपचारिक रूप से दिसंबर 2019 में हैदराबाद में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। फिल्म को अस्थायी रूप से BB3 और PNB के 106 के रूप में शीर्षक दिया गया था। अप्रैल 2021 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक अखंड के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें उनके थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फिल्म को शुरू में 28 मई 2021 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को 2 दिसंबर 2021 तक विलंबित कर दिया गया था। फिल्म का तमिल डब संस्करण 28 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। फिल्म को इसी शीर्षक के तहत हिंदी में भी डब किया गया था। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल वितरण अधिकार 15 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार स्टार माने खरीदे थे। फिल्म का प्रीमियर 21 जनवरी 2022 को हॉटस्टार पर किया गया था और यह OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली क्षेत्रीय फिल्म बन गई थी। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 10 अप्रैल 2022 को स्टार माह पर हुआ था। वही बात करें उनकी फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2020 में शुरू हुई। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन रुकने के बाद फिल्म का अंतिम शेड्यूल जुलाई 2021 में हैदराबाद में फिर से शुरू किया गया था। फिल्म के कुछ दृश्य गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हैदराबाद कैंपस में फिल्माए गए थे। फिल्म के चरमोत्सुक दृश्यों का फिल्मांकन तमिलनाडु में जुलाई 2021 के अंत में शुरू हुआ था। अधिकांश एक्शन दृश्यों में बालकृष्ण और श्रीकांत थे। अभी बात करें उनके क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो द हिंस इंडिया के एक समीक्षक ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि और इसे बालकृष्ण का वन मैन शो काम उम्मीदों पर खरा उतरे हुए। अखंडा भी प्रशंसकों पर एक बड़े पैमाने पर व्यवहार करता है। फिल्म प्रभावशाली है जिस तरह से यह थी निर्मित। हालांकि समीक्षक पूर्वानुमान कथानक और पटकथा के आलोचकों के साथ 123telugu.com ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि अखंडा कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लयम ने अपने शानदार अभिनय से संजोने के लिए पर्याप्त क्षण देता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है अखंडा। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अखंडा एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है। इसका निर्माण द्वारकम क्रिएशंस के तहत मिर्यालाम रविंदर रेड्डी ने किया था। इसमें प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुरी बालकृष्ण दोहरी भूमिका में हैं। साउंडट्रैक एल्बम और फिल्म स्कोर थमन एस द्वारा रचित है। 2 सितंबर 2021 को रिलीज हुई अखंडा को समीक्षकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली।
फिल्मी साउंडट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रियता मिली। यह फिल्म दुनिया भर में 150 करोड़ से अधिक की व्यावसायिक हिट बन गई, जो वर्ष की तीसरे सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और बालकृष्णर के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी। अखंड को 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में चित्रित किया गया था। भारतीय पैनोरमा मुख्यधारा खंड में भारत का था। वही बात करें उनकी कास्ट के बारे में तो अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा और मुरली कृष्ण के रूप में गौरी भूमिका में हैं। नंदमुरी बालकृष्ण वही शरण्या बच्चूपल्ली आईएएस के रूप में प्रज्ञा जायसवाल जगपति बाबू अघोरा बाबा के रूप में हैं। वही श्रीकांत अंतपुरम वरद राजुलव के रूप में तांबे के खनन के मालिक। वही गजेंद्र साहू के रूप में नितिन मेहता और पूर्णा पन्यावती आईएएस प्रधान सचिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म सीमा 2010 और लीजेंड 2014 के बाद बालकृष्ण और बोयापति श्रीनु के बीच तीसरे सहयोग को चित्रित करती है। इससे औपचारिक रूप से दिसंबर 2019 में हैदराबाद में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। फिल्म को अस्थायी रूप से BB3 और PNBK 106 के रूप में शीर्षक दिया गया था। अप्रैल 2021 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक अखंड के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें उनके थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फिल्म को शुरू में 28 मई 2021 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को 2 दिसंबर 2021 तक विलंबित कर दिया गया था। फिल्म का तमिल डब संस्करण 28 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। फिल्म को इसी शीर्षक के तहत हिंदी में भी डब किया गया था। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल वितरण अधिकार 15 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार स्टार माने खरीदे थे। फिल्म का प्रीमियर 21 जनवरी 2022 को हॉटस्टार पर किया गया था और यह OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली क्षेत्रीय फिल्म बन गई थी। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 10 अप्रैल 2022 को स्टार माह पर हुआ था। वही बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2020 में शुरू हुई। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन रुकने के बाद फिल्म का अंतिम शेड्यूल जुलाई 2021 में हैदराबाद में फिर से शुरू किया गया था। फिल्म के कुछ दृश्य गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हैदराबाद कैंपस में फिल्माए गए थे। फिल्म के चर्मोत्सुक दृश्यों का फिल्मांकन तमिलनाडु में जुलाई 2021 के अंत में शुरू हुआ था। अधिकांश एक्शन दृश्यों में बालकृष्ण और श्रीकांत थे। अभी बात करें उनके क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो द हिंस इंडिया के एक समीक्षक ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि और इसे बालकृष्ण का वन मैन शो काम उम्मीदों पर खरा उतरे हुए। अखंडा भी प्रशंसकों पर एक बड़े पैमाने पर व्यवहार करता है। फिल्म प्रभावशाली है जिस तरह से यह थी निर्मित। हालांकि समीक्षक पूर्वानुमियम कथानक और पटकथा के आलोचकों के साथ 123telugu.com ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि अखंडा कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लैया ने अपने शानदार अभिनय से संजोने के लिए पर्याप्त क्षण देता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।
थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है अकंडा। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अकंडा एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है। इसका निर्माण द्वारकम क्रिएशंस के तहत मिरियालाम रविंदर रेड्डी ने किया था। इसमें प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुरी बालकृष्ण दोहरी भूमिका में है। साउंड ट्रैक एल्बम और फिल्म स्कोर थमन एस द्वारा रचित है। 2 सितंबर 2021 को रिलीज हुई अकंडा को समीक्षकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली। फिल्म में साउंड ट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रियता मिली। यह फिल्म दुनिया भर में 150 करोड़ से अधिक की व्यावसायिक हिट बन गई, जो वर्ष की तीसरे सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और बालकृष्ण के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी। अखंड को 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में चित्रित किया गया था। भारतीय पेनोरमा मुख्यधारा खंड में भारत का था। वही बात करें उनकी कास्ट के बारे में तो अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा और मुरली कृष्ण के रूप में दोहरी भूमिका में हैं। नंदमुरी बालकृष्ण वही शरण्य बच्चूपल्ली आईएएस के रूप में प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू अघोरा बाबा के रूप में हैं। वही श्रीकांत अंत पुरम वरद राजुलो के रूप में तांबे के खनन के मालिक। वही गजेंद्र साहू के रूप में नितिन मेहता और पूर्ण पन्यावती आईएएस प्रधान सचिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म सीमा 2010 और लीजेंड 2014 के बाद बालकृष्ण और बोयापति श्रीनु के बीच तीसरे सहयोग को चित्रित करती है। इससे औपचारिक रूप से दिसंबर 2019 में हैदराबाद में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। फिल्म को अस्थायी रूप से BB3 और PNB के 106 के रूप में शीर्षक दिया गया था। अप्रैल 2021 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक अखंड के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें उनके थिएटरिकल रिलीज के बारे में तो फिल्म को शुरू में 28 मई 2021 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को 2 दिसंबर 2021 तक विलंबित कर दिया गया था। फिल्म का तमिल डब संस्करण 28 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। फिल्म को इसी शीर्षक के तहत हिंदी में भी डब किया गया था। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल वितरण अधिकार 15 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार स्टार माने खरीदे थे। फिल्म का प्रीमियर 21 जनवरी 2022 को हॉटस्टार पर किया गया था और यह OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली क्षेत्रीय फिल्म बन गई थी। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 10 अप्रैल 2022 को स्टार माँ पर हुआ था। वही बात करें उनकी फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2020 में शुरू हुई। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन रुकने के बाद फिल्म का अंतिम शेड्यूल जुलाई 2021 में हैदराबाद में फिर से शुरू किया गया था। फिल्म के कुछ दृश्य गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हैदराबाद कैंपस में फिल्माए गए थे। फिल्म के चर्मोत्सुक दृश्यों का फिल्मांकन तमिलनाडु में जुलाई 2021 के अंत में शुरू हुआ था। अधिकांश एक्शन दृश्यों में बालकृष्ण और श्रीकांत थे। अभी बात करें उनके क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो द हिंस इंडिया के एक समीक्षक ने 5 में से 3 स्टार दिए और
काकी और इसे बालकृष्ण का वन मैन शो का उम्मीदों पर खरा उतरे हुए अकंडा भी प्रशंसकों पर एक बड़े पैमाने पर व्यवहार करता है। फिल्म प्रभावशाली है जिस तरह से यह थी निर्मित, हालांकि समीक्षक पूर्वानुमान कथानक और पटकथा के आलोचकों के साथ 1-2-3 तेलुगु दर्पण ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि अखंडा कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लैया ने अपने शानदार अभिनय से संजोने के लिए पर्याप्त क्षण देता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है अखंडा। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अखंडा एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है। इसका निर्माण द्वारकम क्रिएशंस के तहत मिर्यालाम रविंदर रेड्डी ने किया था। इसमें प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुरी बालकृष्ण दोहरी भूमिका में हैं। साउंड ट्रैक एल्बम और फिल्म स्कोर थमन एस द्वारा रचित है। 2 सितंबर 2021 को रिलीज हुई अखंडा को समीक्षकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली। फिल्म में साउंड ट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रियता मिली। यह फिल्म दुनिया भर में 150 करोड़ से अधिक की व्यावसायिक हिट बन गई, जो वर्ष की तीसरे सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और बालकृष्ण के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी। अखंड को 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में चित्रित किया गया था। भारतीय पैनोरमा मुख्यधारा खंड में भारत का था। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो अखंड रुद्र, सिकंदर अघोरा और मुरली कृष्ण के रूप में दोहरी भूमिका में हैं। नंदमुरी बालकृष्ण वही शरण्या बच्चुपल्ली आईएएस के रूप में प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू अघोरा बाबा के रूप में हैं। वही श्रीकांत अंत पुरम वरद राजुलव के रूप में तांबे के खनन के मालिक, वही गजेंद्र साहू के रूप में नितिन मेहता और पूर्णा पन्यावती आईएएस प्रधान सचिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म सीमा 2010 और लीजेंड 2014 के बाद बालकृष्ण और बोयापति श्रीनु के बीच तीसरे सहयोग को चित्रित करती है। इससे औपचारिक रूप से दिसंबर 2019 में हैदराबाद में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। फिल्म को अस्थायी रूप से BB3 और PNB के 106 के रूप में शीर्षक दिया गया था। अप्रैल 2021 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक अखंडा के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें उनके थिएटरिकल रिलीज के बारे में तो फिल्म को शुरू में 28 मई 2021 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को 2 दिसंबर 2021 तक विलंबित कर दिया गया था। फिल्म का तमिल डब संस्करण 28 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। फिल्म को इसी शीर्षक के तहत हिंदी में भी डब किया गया था। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल वितरण अधिकार 15 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार स्टार माने खरीदे थे। फिल्म का प्रीमियर 21 जनवरी 2022 को हॉटस्टार पर किया गया था और यह OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली क्षेत्रीय फिल्म बन गई थी। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 10 अप्रैल 2022 को स्टार माह पर हुआ था। वही बात करें उनके
फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2020 में शुरू हुई। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन रुकने के बाद फिल्म का अंतिम शेड्यूल जुलाई 2021 में हैदराबाद में फिर से शुरू किया गया था। फिल्म के कुछ दृश्य गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हैदराबाद कैंपस में फिल्माए गए थे। फिल्म के चरमोत्सुक दृश्यों का फिल्मांकन तमिलनाडु में जुलाई 2021 के अंत में शुरू हुआ था। अधिकांश एक्शन दृश्यों में बालकृष्ण और श्रीकांत थे। अभी बात करें उनके क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में, तो द हिंस इंडिया के एक समीक्षक ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि और इसे बालकृष्ण का वन मैन शो काम उम्मीदों पर खरा उतरे हुए। अकंडा भी प्रशंसकों पर एक बड़े पैमाने पर व्यवहार करता है। फिल्म प्रभावशाली है जिस तरह से यह थी निर्मित। हालांकि समीक्षक पूर्वानुमान कथानक और पटकथा के आलोचकों के साथ 123telugu.com ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि अकंडा कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लैयम ने अपने शानदार अभिनय से संजोने के लिए पर्याप्त क्षण देता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है अकंडा। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अकंडा एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है। इसका निर्माण द्वारकम क्रिएशंस के तहत मिर्यालाम रविंदर रेड्डी ने किया था। इसमें प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुरी बालकृष्ण दोहरी भूमिका में है। साउंडट्रैक एल्बम और फिल्म स्कोर थमन एस द्वारा रचित है। 2 सितंबर 2021 को रिलीज हुई अकंडा को समीक्षकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली। फिल्म में साउंडट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रियता मिली। यह फिल्म दुनिया भर में 150 करोड़ से अधिक की व्यावसायिक हिट बन गई, जो वर्ष की तीसरे सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और बालकृष्ण के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी। अखंड को 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में चित्रित किया गया था। भारतीय पेनोरमा मुख्यधारा खंड में भारत का था। वही बात करें उनके कास्ट के बारे में, तो अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा और मुरली कृष्ण के रूप में दोहरी भूमिका में हैं। नंदमुरी बालकृष्ण वही सरन्या बच्चुपल्ली आईएएस के रूप में प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू अघोरा बाबा के रूप में हैं। वही श्रीकांत अंतपुरम वरद राजुलो के रूप में तांबे के खनन के मालिक, वही गजेंद्र साहू के रूप में नितिन मेहता और पूर्णा पन्यावती आईएएस प्रधान सचिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फिल्म सीमा 2010 और लीजेंड 2014 के बाद बालकृष्ण और बोयापति श्रीनु के बीच तीसरे सहयोग को चित्रित करती है। इससे औपचारिक रूप से दिसंबर 2019 में हैदराबाद में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। फिल्म को अस्थायी रूप से BB3 और PNBK 106 के रूप में शीर्षक दिया गया था। अप्रैल 2021 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक अखंड के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें उनके थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो फिल्म को शुरू में 28 मई 2021 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी।
लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को 2 दिसंबर 2021 तक विलंबित कर दिया गया था। फिल्म का तमिल डब संस्करण 28 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। फिल्म को इसी शीर्षक के तहत हिंदी में भी डब किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो फिल्म के डिजिटल वितरण अधिकार 15 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार स्टार मानिन खरीदी थी। फिल्म का प्रीमियर 21 जनवरी 2022 को हॉटस्टार पर किया गया था और यह OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली क्षेत्रीय फिल्म बन गई थी। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 10 अप्रैल 2022 को स्टार माह पर हुआ था। वही बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2020 में शुरू हुई। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन रुकने के बाद फिल्म का अंतिम शेड्यूल जुलाई 2021 में हैदराबाद में फिर से शुरू किया गया था। फिल्म के कुछ दृश्य गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हैदराबाद कैंपस में फिल्माए गए थे। फिल्म के चर्मोत्सुक दृश्यों का फिल्मांकन तमिलनाडु में जुलाई 2021 के अंत में शुरू हुआ था। अधिकांश एक्शन दृश्यों में बालकृष्ण और श्रीकांत थे। अभी बात करें उनके क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में, तो द हिंस इंडिया के एक समीक्षक ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि और इसे बालकृष्ण का वन मैन शो काम उम्मीदों पर खरा उतरे हुए। अकंडा भी प्रशंसकों पर एक बड़े पैमाने पर व्यवहार करता है। फिल्म प्रभावशाली है जिस तरह से यह थी निर्मित। हालांकि समीक्षक पूर्वानुमान कथानक और पटकथा के आलोचकों के साथ 123telugu.com ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि अकंडा कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लैया ने अपने शानदार अभिनय से संजोने के लिए पर्याप्त क्षण देता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है अकंडा। इस फिल्म से जुड़ी जितनी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अकंडा एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे बोयापति श्रीमू ने लिखा और निर्देशित किया है। इसका निर्माण द्वारकम क्रिएशंस के तहत मिर्याल्लाम रविंदर रेड्डी ने किया था। इसमें प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुरी बालकृष्ण दोहरी भूमिका में हैं। साउंड ट्रैक एल्बम और फिल्म स्कोर थमन एस द्वारा रचित है। 2 सितंबर 2021 को रिलीज हुई अकंडा को समीक्षकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली। फिल्म में साउंड ट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रियता मिली। यह फिल्म दुनिया भर में 150 करोड़ से अधिक की व्यावसायिक हिट बन गई, जो वर्ष की तीसरे सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और बालकृष्ण के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी। अखंड को 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में चित्रित किया गया था। भारतीय पैनोरमा मुख्यधारा खंड में भारत का था। वही बात करें उनकी कास्ट के बारे में, तो अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा और मुरली कृष्ण के रूप में दोहरी भूमिका में हैं। नंदमुरी बालकृष्ण वही सरन्या बच्चुपल्ली IAS के रूप में प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू अघोरा बाबा के रूप में हैं। वही श्रीकांत अंत पुरम वरद राजुलव के रूप में तांबे के खनन के मालिक। वही गजेंद्र साहू के रूप में नितिन मेहता और पूर्णा पन्यावती IAS प्रधान सचिव के रूप में हमें दिखाई देंगे।
वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फिल्म सीमा 2010 और लीजेंड 2014 के बाद बालकृष्ण और बोयापति श्रीनु के बीच तीसरे सहयोग को चित्रित करती है। इससे औपचारिक रूप से दिसंबर 2019 में हैदराबाद में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। फिल्म को अस्थायी रूप से BB3 और PNB के 106 के रूप में शीर्षक दिया गया था। अप्रैल 2021 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक अखंड के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें उनके थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो फिल्म को शुरू में 28 मई 2021 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को 2 दिसंबर 2021 तक विलंबित कर दिया गया था। फिल्म का तमिल डब संस्करण 28 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। फिल्म को इसी शीर्षक के तहत हिंदी में भी डब किया गया था। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में, तो फिल्म के डिजिटल वितरण अधिकार 15 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार स्टार माने खरीदे थे। फिल्म का प्रीमियर 21 जनवरी 2022 को हॉटस्टार पर किया गया था और यह OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली क्षेत्रीय फिल्म बन गई थी। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 10 अप्रैल 2022 को स्टार माह पर हुआ था। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2020 में शुरू हुई। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन रुकने के बाद फिल्म का अंतिम शेड्यूल जुलाई 2021 में हैदराबाद में फिर से शुरू किया गया था। फिल्म के कुछ दृश्य गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हैदराबाद कैंपस में फिल्माए गए थे। फिल्म के चर्मोत्सुक दृश्यों का फिल्मांकन तमिलनाडु में जुलाई 2021 के अंत में शुरू हुआ था। अधिकांश एक्शन दृश्यों में बालकृष्ण और श्रीकांत थे। अभी बात करें उनके क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में, तो रहिंस इंडिया के एक समीक्षक ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि और इसे बालकृष्ण का वन मैन शो का उम्मीदों पर खरा उतरे हुए। अखंडा भी प्रशंसकों पर एक बड़े पैमाने पर व्यवहार करता है। फिल्म प्रभावशाली है जिस तरह से यह थी निर्मित। हालांकि समीक्षक पूर्वानुमान कथानक और पटकथा के आलोचकों के साथ 123telugu.com ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि अखंडा कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लैया ने अपने शानदार अभिनय से संजोने के लिए पर्याप्त क्षण देता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले है उसका नाम है अखंडा। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अखंडा एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है। इसका निर्माण द्वारकम क्रिएशंस के तहत मिर्याल्लाम रविंदर रेड्डी ने किया था। इसमें प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुरी बालकृष्ण दोहरी भूमिका में हैं। साउंड ट्रैक एल्बम और फिल्म स्कोर थमन एस द्वारा रचित है। 2 सितंबर 2021 को रिलीज हुई अखंडा को समीक्षकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली। फिल्म में साउंड ट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रियता मिली। यह फिल्म दुनिया भर में 150 करोड़ से अधिक की व्यावसायिक हिट बन गई, जो वर्ष की तीसरे सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और बालकृष्ण के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी। अखंड को
53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में चित्रित किया गया था भारतीय पेनोरमा मुख्यधारा खंड में भारत का था। वही बात करें उनकी कास्ट के बारे में तो अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा और मुरली कृष्ण के रूप में दोहरी भूमिका में हैं। नंदमुरी बालकृष्ण वही शरण्य बच्चुपल्ली आईएएस के रूप में प्रज्ञा जयसवाल जगपति बाबू अघोरा बाबा के रूप में हैं। वही श्रीकांत अंत पुरम वरद राजुलव के रूप में तांबे के खनन के माली। वही गजेंद्र साहू के रूप में नितिन मेहता और पूर्ण पन्यावती आईएएस प्रधान सचिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म सीमा 2010 और लीजेंड 2014 के बाद बालकृष्ण और बोयापति श्रीनु के बीच तीसरे सहयोग को चित्रित करती है। इससे औपचारिक रूप से दिसंबर 2019 में हैदराबाद में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। फिल्म को अस्थायी रूप से BB3 और PNBK 106 के रूप में शीर्षक दिया गया था। अप्रैल 2021 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक अखंड के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें उनके थिएटरिकल रिलीज के बारे में तो फिल्म को शुरू में 28 मई 2021 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को 2 दिसंबर 2021 तक विलंबित कर दिया गया था। फिल्म का तमिल डब संस्करण 28 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। फिल्म को इसी शीर्षक के तहत हिंदी में भी डब किया गया था। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल वितरण अधिकार 15 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार स्टार माने खरीदे थे। फिल्म का प्रीमियर 21 जनवरी 2022 को हॉटस्टार पर किया गया था और यह OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली क्षेत्रीय फिल्म बन गई थी। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 10 अप्रैल 2022 को स्टार माह पर हुआ था। वही बात करें उनकी फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2020 में शुरू हुई। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन रुकने के बाद फिल्म का अंतिम शेड्यूल जुलाई 2021 में हैदराबाद में फिर से शुरू किया गया था। फिल्म के कुछ दृश्य गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हैदराबाद कैंपस में फिल्माए गए थे। फिल्म के चर्मोत्सुक दृश्यों का फिल्मांकन तमिलनाडु में जुलाई 2021 के अंत में शुरू हुआ था। अधिकांश एक्शन दृश्यों में बालकृष्ण और श्रीकांत थे। अभी बात करें उनके क्रिटिकल रिस्पॉन्स के बारे में तो द हिंस इंडिया के एक समीक्षक ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि और इसे बालकृष्ण का वन मैन शो काम उम्मीदों पर खरा उतरे हुए। अखंडा भी प्रशंसकों पर एक बड़े पैमाने पर व्यवहार करता है। फिल्म प्रभावशाली है जिस तरह से यह थी निर्मित। हालांकि समीक्षक पूर्वानुमियम कथानक और पटकथा के आलोचकों के साथ 123telugu.com ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि अखंडा कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लैयम उन्हें अपने शानदार अभिनय से संजोने के लिए पर्याप्त क्षण देता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है अखंडा। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अखंडा एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है। इसका निर्माण द्वारका क्रिएशंस के तहत
मिर्याल्लाम रविंदर रेड्डी ने किया था। इसमें प्रज्ञा जायसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुरी बालकृष्ण गौरी भूमिका में हैं। साउंडट्रैक एल्बम और फिल्म स्कोर थमन एस द्वारा रचित है। 2 सितंबर 2021 को रिलीज हुई अकंडा को समीक्षकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली। फिल्म में साउंडट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रियता मिली। यह फिल्म दुनिया भर में 150 करोड़ से अधिक की व्यावसायिक हिट बन गई, जो वर्ष की तीसरे सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और बालकृष्णर के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी। अखंड को 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में चित्रित किया गया था। भारतीय पैनोरमा मुख्यधारा खंड में भारत का था। वही बात करें उनकी कास्ट के बारे में तो अखंड रुद्र, सिकंदर, अघोरा और मुरली कृष्ण के रूप में दोहरी भूमिका में हैं। नंदमुरी बालकृष्ण वही शरण्या बच्चुपल्ली आईएएस के रूप में प्रज्ञा जायसवाल, जगपति बाबू अघोरा बाबा के रूप में हैं। वही श्रीकांत अंत पुरम वरद राजुलो के रूप में तांबे के खनन के माली। वही गजेंद्र साहू के रूप में नितिन मेहता और पूर्णा पन्यावती आईएएस प्रधान सचिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म सीमा 2010 और लीजेंड 2014 के बाद बालकृष्ण और बोयापति श्रीनु के बीच तीसरे सहयोग को चित्रित करती है। इससे औपचारिक रूप से दिसंबर 2019 में हैदराबाद में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। फिल्म को अस्थायी रूप से BB3 और PNBK 106 के रूप में शीर्षक दिया गया था। अप्रैल 2021 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक अखंड के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें उनके थिएटरिकल रिलीज के बारे में तो फिल्म को शुरू में 28 मई 2021 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को 2 दिसंबर 2021 तक विलंबित कर दिया गया था। फिल्म का तमिल डब संस्करण 28 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। फिल्म को इसी शीर्षक के तहत हिंदी में भी डब किया गया था। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल वितरण अधिकार 15 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार स्टार माने खरीदी थी। फिल्म का प्रीमियर 21 जनवरी 2022 को हॉटस्टार पर किया गया था और यह OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली क्षेत्रीय फिल्म बन गई थी। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 10 अप्रैल 2022 को स्टार माह पर हुआ था। कोई बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2020 में शुरू हुई। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन रुकने के बाद फिल्म का अंतिम शेड्यूल जुलाई 2021 में हैदराबाद में फिर से शुरू किया गया था। फिल्म के कुछ दृश्य गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हैदराबाद कैंपस में फिल्माए गए थे। फिल्म के चरमोत्सुक दृश्यों का फिल्मांकन तमिलनाडु में जुलाई 2021 के अंत में शुरू हुआ था। अधिकांश एक्शन दृश्यों में बालकृष्ण और श्रीकांत थे। अभी बात करें उनके क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो द हिंस इंडिया के एक समीक्षक ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि और इसे बालकृष्ण का वन मैन शो का उम्मीदों पर खरा उतरे हुए। अकंडा भी प्रशंसकों पर एक बड़े पैमाने पर व्यवहार करता है। फिल्म प्रभावशाली है जिस तरह से यह थी निर्मित। हालांकि समीक्षक पूर्वानुमान कथानक और पटकथा के आलोचकों के साथ
123 तेलुगु दर्शन ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि अकन्ना कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लैयम उन्हें अपने शानदार अभिनय से संजोने के लिए पर्याप्त क्षण देता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है अकंडा। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अकंडा एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है। इसका निर्माण द्वारकम क्रिएशंस के तहत मिरियालाम रविंदर रेड्डी ने किया था। इसमें प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुरी बालकृष्ण दोहरी भूमिका में हैं। साउंडट्रैक एल्बम और फिल्म स्कोर थमन एस द्वारा रचित है। 2 सितंबर 2021 को रिलीज हुई अकंडा को समीक्षकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली। फिल्म में साउंडट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रियता मिली। यह फिल्म दुनिया भर में 150 करोड़ से अधिक की व्यावसायिक हिट बन गई, जो वर्ष की तीसरे सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और बालकृष्ण के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी। अखंड को 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में चित्रित किया गया था। भारतीय पेनोरमा मुख्यधारा खंड में भारत का था। अभी बात करें उनकी कास्ट के बारे में तो अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा और मुरली कृष्ण के रूप में दोहरी भूमिका में हैं। नंदमुरी बालकृष्ण वही शरण्य बच्चुपल्ली आईएएस के रूप में प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू अघोरा बाबा के रूप में हैं वही श्रीकांत अंत पुरम वरद राजुलव के रूप में तांबे के खनन के मालिक वही गजेंद्र साहू के रूप में नितिन मेहता और पूर्णा पन्यावती आईएएस प्रधान सचिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म सीमा 2010 और लीजेंड 2014 के बाद बालकृष्ण और बोयापति श्रीनु के बीच तीसरे सहयोग को चित्रित करती है। इससे औपचारिक रूप से दिसंबर 2019 में हैदराबाद में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। फिल्म को अस्थायी रूप से BB3 और PNBK 106 के रूप में शीर्षक दिया गया था। अप्रैल 2021 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक अखंड के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें उनके थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फिल्म को शुरू में 28 मई 2021 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को 2 दिसंबर 2021 तक विलंबित कर दिया गया था। फिल्म का तमिल डब संस्करण 28 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। फिल्म को इसी शीर्षक के तहत हिंदी में भी डब किया गया था। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल वितरण अधिकार 15 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार स्टार माने खरीदे थे। फिल्म का प्रीमियर 21 जनवरी 2022 को हॉटस्टार पर किया गया था और यह OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली क्षेत्रीय फिल्म बन गई थी। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 10 अप्रैल 2022 को स्टार माह पर हुआ था। वही बात करें उनकी फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2020 में शुरू हुई। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन रुकने के बाद फिल्म का अंतिम शेड्यूल जुलाई 2021 में हैदराबाद में फिर से शुरू किया गया था। फिल्म के कुछ दृश्य गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड
मैनेजमेंट हैदराबाद कैंपस में फिल्माए गए थे। फिल्म के चरमोत्सुक दृश्यों का फिल्मांकन तमिलनाडु में जुलाई 2021 के अंत में शुरू हुआ था। अधिकांश एक्शन दृश्यों में बालकृष्ण और श्रीकांत थे। अभी बात करें उनके क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो द हिंस इंडिया के एक समीक्षक ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि और इसे बालकृष्ण का वन मैन शो का उम्मीदों पर खरा उतरे हुए। अखंडाबीन प्रशंसकों पर एक बड़े पैमाने पर व्यवहार करता है। फिल्म प्रभावशाली है जिस तरह से यह थी निर्मित। हालांकि समीक्षक पूर्वानुमियम कथानक और पटकथा के आलोचकों के साथ 123telugu.com ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि अखंडा कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लयम ने अपने शानदार अभिनय से संजोने के लिए पर्याप्त क्षण देता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है अखंडा। इस फिल्म से जुड़ी जितनी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अखंडा एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है। इसका निर्माण द्वारकम क्रिएशंस के तहत मिर्यालाम रविंदर रेड्डी ने किया था। इसमें प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुरी बालकृष्ण दोहरी भूमिका में हैं। साउंडट्रैक एल्बम और फिल्म स्कोर थमन एस द्वारा रचित है। 2 सितंबर 2021 को रिलीज हुई अखंडा को समीक्षकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली। फिल्म में साउंडट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रियता मिली। यह फिल्म दुनिया भर में 150 करोड़ से अधिक की व्यावसायिक हिट बन गई, जो वर्ष की तीसरे सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और बालकृष्ण के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी। अखंड को 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में चित्रित किया गया था। भारतीय पेनोरमा मुख्यधारा खंड में भारत का था। कोई बात करें उनके कास्ट के बारे में तो अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा और मुरली कृष्ण के रूप में दोहरी भूमिका में हैं। नंदमुरी बालकृष्ण वही सरन्या बच्चुपल्ली आईएएस के रूप में प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू अघोरा बाबा के रूप में हैं। वही श्रीकांत अंत पुरम वरद राजुलव के रूप में तांबे के खनन के माली। वही गजेंद्र साहू के रूप में नितिन मेहता और पूर्ण पन्यावती आईएएस प्रधान सचिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म सीमा 2010 और लीजेंड 2014 के बाद बालकृष्ण और बोयापति श्रीनु के बीच तीसरे सहयोग को चित्रित करती है। इससे औपचारिक रूप से दिसंबर 2019 में हैदराबाद में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। फिल्म को अस्थायी रूप से BB3 और PNB के 106 के रूप में शीर्षक दिया गया था। अप्रैल 2021 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक अखंड के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें उनके थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो फिल्म को शुरू में 28 मई 2021 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को 2 दिसंबर 2021 तक विलंबित कर दिया गया था। फिल्म का तमिल डब संस्करण 28 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। फिल्म को इसी शीर्षक के तहत हिंदी में भी डब किया गया था। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो फिल्म के डिजिटल वितरण अधिकार
15 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार स्टार मानिन खरीदे थे। फिल्म का प्रीमियर 21 जनवरी 2022 को हॉटस्टार पर किया गया था और यह OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली क्षेत्रीय फिल्म बन गई थी। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 10 अप्रैल 2022 को स्टार माह पर हुआ था। वही बात करें कि फिल्मिंग के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2020 में शुरू हुई। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन रुकने के बाद फिल्म का अंतिम शेड्यूल जुलाई 2021 में हैदराबाद में फिर से शुरू किया गया था। फिल्म के कुछ दृश्य गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हैदराबाद कैंपस में फिल्माए गए थे। फिल्म के चर्मोत्सुक दृश्यों का फिल्मांकन तमिलनाडु में जुलाई 2021 के अंत में शुरू हुआ था। अधिकांश एक्शन दृश्यों में बालकृष्ण और श्रीकांत थे। अभी बात करें उनके क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो द हिंस इंडिया के एक समीक्षक ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि और इसे बालकृष्ण का वन मैन शो काम उम्मीदों पर खरा उतरे हुए। अकंडा भी प्रशंसकों पर एक बड़े पैमाने पर व्यवहार करता है। फिल्म प्रभावशाली है जिस तरह से यह थी निर्मित। हालांकि समीक्षक पूर्वानुमियम कथानक और पटकथा के आलोचकों के साथ 1-2-3 तेलुगु डॉक्टर ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि अखंडा कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लयम ने अपने शानदार अभिनय से संजोने के लिए पर्याप्त क्षण देता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है अखंडा। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अखंडा एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है। इसका निर्माण द्वारकम क्रिएशंस के तहत मिर्याल्लाम रविंदर रेड्डी ने किया था। इसमें प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुरी बालकृष्ण दोहरी भूमिका में हैं। साउंडट्रैक एल्बम और फिल्म स्कोर थमन एस द्वारा रचित है। 2 सितंबर 2021 को रिलीज हुई अखंडा को समीक्षकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली। फिल्म में साउंडट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रियता मिली। यह फिल्म दुनिया भर में 150 करोड़ से अधिक की व्यावसायिक हिट बन गई, जो वर्ष की तीसरे सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और बालकृष्ण के करियर में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी। अखंडा को 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में चित्रित किया गया था। भारतीय पैनोरमा मुख्यधारा खंड में भारत का था। वही बात करें उनकी कास्ट के बारे में तो अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा और मुरली कृष्ण के रूप में दोहरी भूमिका में हैं। नंदमुरी बालकृष्ण वही सरन्या बच्चुपल्ली IAS के रूप में प्रज्ञा जयसवाल, जगपति बाबू अघोरा बाबा के रूप में हैं। वही श्रीकांत अंत पुरम वरद राजुलव के रूप में तांबे के खनन के मालिक। वही गजेंद्र साहू के रूप में नितिन मेहता और पूर्णा पन्यावती IAS प्रधान सचिव के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म सीमा 2010 और लीजेंड 2014 के बाद बालकृष्ण और बोयापति श्रीनु के बीच तीसरे सहयोग को चित्रित करती है। इससे औपचारिक रूप से दिसंबर 2019 में हैदराबाद में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था।
फिल्म को अस्थायी रूप से VB3 और PNBK 106 के रूप में शीर्षक दिया गया था। अप्रैल 2021 में फिल्म का आधिकारिक शीर्षक अखंड के रूप में अनावरण किया गया था। वही बात करें उनके थिएटरिकल रिलीज के बारे में, तो फिल्म को शुरू में 28 मई 2021 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को 2 दिसंबर 2021 तक विलंबित कर दिया गया था। फिल्म का तमिल डब संस्करण 28 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। फिल्म को इसी शीर्षक के तहत हिंदी में भी डब किया गया था। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में, तो फिल्म के डिजिटल वितरण अधिकार 15 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार स्टार मानिन खरीदे थे। फिल्म का प्रीमियर 21 जनवरी 2022 को हॉटस्टार पर किया गया था और यह OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली क्षेत्रीय फिल्म बन गई थी। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 10 अप्रैल 2022 को स्टार माह पर हुआ था। वही बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2020 में शुरू हुई। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन रुकने के बाद फिल्म का अंतिम शेड्यूल जुलाई 2021 में हैदराबाद में फिर से शुरू किया गया था। फिल्म के कुछ दृश्य गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हैदराबाद कैंपस में फिल्माए गए थे। फिल्म के चरमोत्सुक दृश्यों का फिल्मांकन तमिलनाडु में जुलाई 2021 के अंत में शुरू हुआ था। अधिकांश एक्शन दृश्यों में बालकृष्ण और श्रीकांत थे। अभी बात करें उनके क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में, तो द हिंस इंडिया के एक समीक्षक ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि और इसे बालकृष्ण का वन मैन शो काम उम्मीदों पर खरा उतरे हुए। अकंडा भी प्रशंसकों पर एक बड़े पैमाने पर व्यवहार करता है। फिल्म प्रभावशाली है जिस तरह से यह थी निर्मित। हालांकि समीक्षक पूर्वानुमियम कथानक और पटकथा के आलोचकों के साथ 123telugu.com ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि अखंडा कट्टर प्रशंसकों के लिए एक दावत है और बल्लयम ने अपने शानदार अभिनय से संजोने के लिए पर्याप्त क्षण देता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।